Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video and this channel. Myself, Dr. K.C. Soni, Associate Professor in Geology, Government Lohia PG College, Chuni, affiliated to Maharaja Ganga Singh University. जैसा कि आपको पता है कि 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह का आयोजन पूरे भारतवर्ष में किया जाता है और विभिन्न विश्वविद्यालयों के द्वारा, म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के द्वारा, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के द्वारा, FRI के द्वारा और वनस्पति शास्त्र और प्राणी शास्त्र विभाग के विभिन्न डिपार्टमेंट्स द्वारा इस वन्य जीव सप्ताह का आयोजन किया जाता है। लेकिन चूंकि अभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद है और इसी श्रृंखला में आज का मेरा अंतिम व्याख्यान पक्षियों के माइग्रेशन पे रहेगा और एक तरह से ये वन्य जीव सप्ताह के समापन के रूप में इस व्याख्यान को आप मान के चले। तो माइग्रेशन क्या है, माइग्रेशन क्यों होता है, माइग्रेशन किस डायरेक्शंस में होता है, माइग्रेशन की आवश्यकता क्यों हुई और क्या माइग्रेशन का रिवोल्यूशन अभी भी चल रहा है, ऐसे कुछ फंडामेंटल फैक्ट है जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। और क्योंकि हमारे चूर जिले में ताल छापर अभयारण्य एक बहुत प्रसिद्ध ब्लैक बक सेंचुरी है, इसमें ब्लैक बक के अलावा पक्षियों की जो पॉपुलेशन है, वैरायटीज है, बहुत ज़बरदस्त है और इस अभयारण्य में पूरे वर्ष भर में लगभग 270 से अधिक प्रजातियां आप देख सकते हो, जिसमें 70-80 के आसपास से माइग्रेटरी बर्ड्स हैं और ये अलग अलग सीजन के हैं, कुछ विंटर माइग्रेटरी हैं, कुछ समर माइग्रेटरी हैं, कुछ इसमें मंगोलिया साइड से आते हैं, कुछ कंबोडिया साइड से आते हैं। तो उनके कुछ फोटोग्राफी मैं यहाँ आपसे चर्चा करूँगा और बहुत ही संक्षेप में इस व्याख्यान को मैं डिवीन करने की कोशिश करूँगा। द रीडल ऑफ बर्ड माइग्रेशन, माइग्रेशन की डेफिनेशन क्या है, पीरियोडिक मास मोमेंट of all or part of population from one area to another and then back, यानी किसी भी population का या population के कुछ सदस्यों का एक area से दूसरे area में जाना और वापिस अपने पैतृक स्थानों की ओर लौट आना, यह परिघटना migration कहलाती है। Some other type of moments, इस migration के अलावा कुछ अन्य moments भी है जिनके लिए अलग technical terms से काम में लिए जाते हैं, जिसमें जैसे नोमेडिज्म है, नोमेडिज्म मतलब ये घूमने वाले घुमक्कड़ जो जनजातियां जैसे होती है, तो वांडरिंग फॉर अनऑक्यूपाइड होम रेंज और टेरिटोरीज टू क्लेम, इस तरह की जो मोमेंट है वो नोमेडिज्म के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा इरप्शन, एग्रीगेशन एट सुपर अबंडेंट फूड सोर्स, तो कई बार किसी जगह अचानक कोई फूड अवेलेबिलिटी हो जाती है तो वहां पर देखा होगा बर्ड्स है और भी जानवर है वहाँ पर अचानक इकट्ठे हो जाते हैं और इस तरह का जो एग्रीगेशन है ये इरप्शन के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये माइग्रेशन के श्रेणी में नहीं आता, ये एक्चुअल में मोमेंट है। एक्चुअल माइग्रेशन तो वही है जो पीरियोडिक मोमेंट हो और एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो और कुछ समय व्यतीत करने के बाद वही बर्ड्स वापिस अपने पैतृक आवास के स्थल पर लौट आए, यह परिघटना माइग्रेशन के नाम से जानी जाती है। अब इस आधार पर पक्षियों का जैसे वर्गीकरण भी किया गया है, माइग्रेटरी बर्ड्स, बर्ड्स विच कवर थाउजेंड्स ऑफ माइल्स इन देयर पीरियोडिक जर्नी, यानी ऐसे पक्षी जो प्रवासन के दौरान हजारों किलोमीटर की यात्राएं करते हैं, जैसे बार हेडेड गूस। अब ये जो पक्षी है ये मानसरोवर झील से आते हैं, प्रतिवर्ष यहाँ पर चूरू के अंदर, ताल छापर के अंदर ये देखे गए हैं। इस फिगर में जैसे आप देख रहे हो सोबलर बर्ड्स है, ये चूरू चूरू का ही है, अनमारगढ़ी का फोटो है और हर वर्ष हजारों की संख्या में पक्षी प्रवास करते आते हैं। रेजिडेंशियल बर्ड्स वो बर्ड्स हैं जो एक ही स्थान पर पूरे वर्ष भर देखे जा सकते हैं, जैसे पीकॉक है ये रेजिडेंशियल बर्ड है, इधर ये जो सॉबलर है, बार हेडेड टूज है, ये सारे माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। अब इसमें टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन को ही कई बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, जैसे फर्स्ट टाइप है लैटिट्यूडिनल माइग्रेशन, इस प्रकार का जो प्रवासन होता है ये उत्तरी दिशा से दक्षिण दिशा की तरफ और वापस फिर दक्षिण दिशा से उत्तरी दिशा की तरफ होता है। इसके एग्जांपल है जैसे डेमोजाइल क्रेन, तुरजान जो होती है ये मंगोलिया से जैसे प्रतिवर्ष यहाँ पर
राजस्थान में खीचन में, चाडवास में, बीदासर के तालाबों में, लाल छापर अभयारण्य में, जसवंतगढ़ में, डीडवाना में काफ़ी हजारों की संख्या में। और राजस्थान में खीचन है, बहुत ही फेमस है, वहाँ पर प्रतिवर्ष 2 लाख के आसपास ये डेमोजर क्रेन है माइग्रेट करके आती है। आर्कटिक टर्न, ये पक्षी भी नॉर्थ टू साउथ और फिर साउथ टू नॉर्थ दिशा में इसमें माइग्रेशन देखा जाता है। लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन, इस तरह का जो माइग्रेशन होगा वो पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की तरफ और फिर वापस पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की तरफ होगा। तो जितने भी रेप्टर्स हैं, विशेषकर तार छापर में जैसे टॉनी ईगल है, स्टेपी ईगल है, इसके अलावा हैरियर है, कई प्रजाति के बजार्ड्स हैं, ये पक्षी इधर ईस्टर्न साइड से, विशेषकर जैसे कंबोडिया है, मलेशिया है, थाईलैंड है, बैंकॉक है, मलेशिया में जो ये कुआलालंपुर है, जॉर्ज टाउन है, बटरवर्थ है, टैपिंग है, तो ये ऐसे कुछ जगह है जहाँ से ये पक्षी हर वर्ष भारत में प्रवेश करते हैं और टाइम व्यतीत करने बाद में पुनः अपने पैतृक स्थानों पर चले जाते हैं। एल्टीट्यूडिनल माइग्रेशन, इस तरह का जो माइग्रेशन है वो हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड की तरफ, यानी पहाड़ी क्षेत्रों के जो पक्षी है वो मैदानी इलाकों में आ गए, मैदानी इलाकों में समय व्यतीत करने के वापस ये पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। इस तरह का जो माइग्रेशन है इसको वर्टिकल माइग्रेशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे लिटिल क्रैब, छोटी पनडुब्बी जैसे होती है, और ये सर्दियों के दिनों में मैदानी इलाकों में जो वाटर बॉडीज होती है उनके अंदर ये रहती है, और सर्दी व्यतीत होने के बाद में ये वापस अपने पैतृक स्थानों पर चली जाती है। पार्शियल माइग्रेशन, ये माइग्रेशन नॉर्थ टू साउथ होता है लेकिन शॉर्टर डिस्टेंस के लिए होता है, ये नहीं कि हजारों किलोमीटर तक का ये प्रवासन होगा, ये 20-30 किलोमीटर तक का माइग्रेशन होता है। जैसे बार्न ऊल है, जैसे बार्न ऊल में इस तरह का प्रवासन है वो देखा जा सकता है। वैग्रेंट माइग्रेशन, आफ्टर ब्रीडिंग अडल्ट्स एंड देयर यंग मे स्ट्रे फ्रॉम देयर होम टू डिस्पर्स इन ऑल डायरेक्शंस ओवर हंड्रेड ऑफ माइल्स इन सर्च ऑफ फूड एंड सेफ्टी फ्रॉम एनिमीज। तो माइग्रेट माइग्रेशन में क्या होता है कि ब्रीडिंग अडल्ट जो होते हैं वो भोजन की तलाश में और अपने प्रीडेटर से, दुश्मनों से सुरक्षा के लिए हजारों किलोमीटर की यात्राएं करके चले जाते हैं। जैसे हेरोन के अंदर इस तरह का माइग्रेशन है वो देखने को मिलता है, और मैं रोजाना देखता हूँ यहाँ पर फतेहपुर का जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ से सैकड़ों की संख्या में ये हेरोन चूरू में जैसे आते हैं, यहाँ पर दिन में ये फीडिंग करते हैं, शाम को फिर वापिस चले जाते हैं। तो रोजाना ये 70-80 किलोमीटर का अप डाउन इनका ये रोजाना में देखता हूँ। सीजनल माइग्रेशन, दे में भी विंटर विजिटर और समर विजिटर, समर पैसेस माइग्रेंट। तो कुछ पक्षी है जो सर्दियों में प्रवास करते हैं वो विंटर विजिटर के नाम से जाने जाएंगे, कुछ गर्मियों के मौसम में प्रवास करते हैं वो समर विजिटर के नाम से जाने जाएंगे। इसके एग्जाम्पल जैसे स्विफ्ट स्वेलो, वाइट टेड स्वेलो, सेंट पाइपर्स है, स्टारलिंग है। अब ये जो चिड़िया है ये कश्मीर से, लद्दाख से यहाँ पर चूरू जिले में हर साल आती है। अब क्वेश्चन है कि व्हाई बर्ड माइग्रेट, पक्षी प्रवास क्यों करते हैं। इसके कुछ अजम्पशंस हैं, जैसे माइग्रेशन एज ए अपॉर्चुनिटी, माइग्रेशन है एक तरह की ये अवसर प्रदान करता है किसके लिए, फॉर नेस्टिंग, फॉर फूड। इसके अलावा माइग्रेशन एज एस्केप, लायन के लिए भी माइग्रेशन होता है, किससे बचने के लिए, फ्रॉम हार्श वेदर और फ्रॉम लैक ऑफ फूड, भोजन की कमी हो तो माइग्रेशन देखने को मिलेगा। पर्यावरण परिस्थितियाँ जब बहुत हार्श हो जाएगी है, विशेषकर साइबेरिया उत्तरी नॉर्थ जो साइड है इसमें -30-40 डिग्री तक तापमान आ जाता है, इन प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए भी पक्षी जो होते हैं वो प्रतिवर्ष माइग्रेशन करते हैं। व्हाट आर द कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन, एक बहुत ही मिस्टीरियस क्वेश्चन है, और पक्षियों को अपनी जान दे के इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। माइग्रेशन इज जैसे 100 मिलियन नॉर्थ अमेरिकन वाटरफॉल माइग्रेट इन फॉल, नॉर्थ अमेरिका से वाटरफॉल है, 100 मिलियन पक्षी प्रतिवर्ष माइग्रेट करते हैं लेकिन वापसी में केवल 40 मिलियन पक्षी पहुंच पाते हैं, सेट रिमेनिंग 60 मिलियन बर्ड्स की रस्ते में डेथ हो जाती है या उनका शिकार कर लिया जाता है। अब ये रिस्क किसके कारण हो सकती है, एक्सपोजर टू प्रीडेटर्स, एक्सपोजर टू एक्सहॉस्टन, क्योंकि इतने 5,000 किलोमीटर की यात्रा करते हैं तो उनकी
मांसपेशियां थक जाती है, किडनी की डैमेज हो जाती है, फेफड़ों की इलास्टिसिटी है वो खत्म हो जाती है। एक्सपोजर टू हार्श डेंजरस वेदर कंडीशन ड्यूरिंग मीडियल ऑफ माइग्रेशन, स्टॉर्म्स तूफान जो होते हैं, कॉन्ट्रेरी विंड ब्लो मैनी स्पीसीज ऑफ क्रॉस, स्पेशली रिस्की फॉर एवर वाटर और ओवर डिजर्ट माइग्रेंट्स। कई पक्षी हैं जो समुद्र के ऊपर से जैसे माइग्रेशन करते हैं, कई डिजर्ट के ऊपर से माइग्रेशन करते हैं, और वहाँ पर रस्ते में कोई भी मिस हैपनिंग हो गई तो उन पक्षियों की मृत्यु तय है। एलिनोरा फाल्कन ब्रीड्स ऑन मेडिटेरियन एरियाज इन फॉल टू टेक एडवांटेज ऑफ माइग्रेंट्स। ये माइग्रेशन की जो कीमत है वो मॉर्टेलिटी के द्वारा ही इनको चुकानी पड़ती है। एवरीवन डज नॉट माइग्रेट, सारे पक्षी प्रवास नहीं करते हैं, बल्कि ये प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए इनमें कुछ अडेप्टेशन भी पाई जाती है, जैसे एंटर डॉर्मेंसी। कई पक्षी हैं जो एकदम निढाल हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं और टॉरपोर में चले जाते हैं। रिमेन्स ऑन टेरिटोरी थ्रू आउट द ईयर, ये पक्षी जो होते हैं वो टेरिटोरी के ऊपर पूरे वर्ष में रहते हैं, और जो ही स्प्रिंग सीजन आएगा तो ये मेटिंग के लिए अपना क्लेम है वो करते हैं। सारे पक्षियों में माइग्रेशन नहीं होता है, जिस तरह मेंढक में हाइबरनेशन होता है, सांपों में हाइबरनेशन होता है, उससे इन पक्षियों के अंदर डोरमेंसी और टॉरपोर जैसी परिघटना भी पाई जाती है। इस पक्षी में आप देखते हो नाइट जार है, जैसे ये विंटर सीजन में एकदम निष्क्रिय हो गया, इसकी फेदर्स के ऊपर बर्फ जो है वो स्नोफॉल है उसके ऊपर डिपोजिट हो गई। हाउ डिड माइग्रेशन इवॉल्व, माइग्रेशन का अवधि विकास कैसे हुआ? स्टिल हाई कंजेक्चुरल क्वेश्चंस, अब इसके पीछे कुछ थ्योरीज है, जैसे नॉर्थन बर्ड साउथ आइस एज थ्योरी। अब ये थ्योरी कहती है कि 1 लाख वर्ष पहले, 1 लाख ईयर्स प्लस ऑफ आइस एज, उसमें हिम युग शीत युग का जैसे प्रारंभ हुआ, सेपरेटेड बाय इंटरग्लेशियल पीरियड, इनके बीच में इंटरग्लेशियल पीरियड हुआ, नॉर्थन बर्ड डिस्प्लेस साउथवर्ड विथ ईच न्यू आइस एज। तो जो जो नए हिमयुग की शुरुआत हुई उत्तरी दिशा के जो पक्षी थे वो दक्षिण दिशा की तरफ माइग्रेट करें, और संभवतः ये फिनोमेनन इनके जीन के अंदर इम्प्रिंटिंग हो गया, और ये पीरियोडिक साइकिल है माइग्रेशन की वो धीरे धीरे इनमें स्टार्ट हो गई और वो इनकी लाइफ का एक हिसाब। ट्रॉपिकल बर्ड्स नॉर्थ ओपन एम्प्टी हैबिटेट्स, कंपटीशन फ्री हैबिटेट, जैसे हमिंग बर्ड्स हैं, फ्लाई कैचर है, वुड वार्बलर्स है, ऑल आर मूविंग नॉर्थवर्ड्स, ये पक्षी हैं जो उत्तरी दिशा की तरफ माइग्रेट करते हैं। ग्रेजुअलिज्म जनरेशन नॉर्थ विद एस्पिन, तो ये कुछ परिघटनाएं हैं और जो माइग्रेशन के लिए उत्तरदायी है, लेकिन इसमें जो बेस्ट अडेप्टेड थ्योरी है वो आइस एज थ्योरी। तो जब भी शीत युग का प्रारंभ हुआ, तापमान -70°C आ गया, जितनी वाटर बॉडीज थी वो सारी बर्फ के द्वारा ढक गई, वनस्पतियां सारी बर्फ के द्वारा ढक गई, और इन हार्श कंडीशंस में अपने बचाव के लिए ये पक्षी है वो उत्तरी दिशा से दक्षिण दिशा की तरफ चले, और संभवतः यही माइग्रेशन का सबसे पहला इवोल्यूशन था। माइग्रेशन इवोल्यूशन एज ए बैलेंस बिटवीन एडवांटेज ऑब्लिक डिसएडवांटेज और सर्वाइवरशिप। माइग्रेशन के कारण क्या है कि इसके कुछ एडवांटेज भी हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, और उत्तरजीविता जो होती है पक्षियों की उसमें एक तरह का बैलेंस, एक तरह का साम्य, एक तरह की होम्योस्टेसिस जो है वो बनी रहती है। इस माइग्रेशन इज इवॉल्विंग, क्या अभी भी माइग्रेशन का विकास चल रहा है? इसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जैसे यूरोपियन रॉबिन और रिंग्ड फ्लावर, ये दो एग्जांपल हैं। पार्शियल माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, सम सब पॉपुलेशन रिमेन्स थ्रू आउट द ईयर, कुछ सब पॉपुलेशन है उसमें तो जैसे पूरे वर्ष भर ही माइग्रेशन जैसे देखने को मिलता है, अदर माइग्रेट्स एवरी ईयर, कुछ पक्षी हैं जो प्रतिवर्ष प्रवास करते हैं, स्टिल अदर माइग्रेट और डू नॉट माइग्रेट, कुछ सदस्य जो माइग्रेट करते भी हैं नहीं भी करते हैं, और ये पक्षी रिमेन्स और टेरिटोरी ड्यूरिंग माइल्ड विंटर, तो मध्यम प्रकार की जो ठंड होती है विंटर सीजन होती है उसमें टेरिटोरी के ऊपर रहते हैं, माइग्रेट ड्यूरिंग हार्श विंटर, अत्यधिक ठंड के मौसम में ये प्रवास करते हैं, कॉल्ड बिहेवियर पॉलीमॉर्फिज्म, और ये जो घटना है ये बिहेवियर पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से जानी जाती है, यानी द पॉपुलेशन इज पॉलीमॉर्फिक विथ रेस्पेक्ट टू बिहेवियर।
मेवे के प्रति ये जो जातियां है ये पॉलीमॉर्फिक प्रकार की होती है। तो इस बात को अपन यो भी कह सकते कि माइग्रेशन में इवोल्यूशन अभी भी है। हाउ डू बर्ड प्रिपेयर फॉर माइग्रेशन, पक्षी माइग्रेशन के लिए अपने आप को तैयार कैसे करते हैं, इसके लिए कुछ अडेप्टेशन जैसे मॉल्टिंग निर्मोचन। मॉल्टिंग में क्या होगा, पुराने पंख जो होते हैं उनको उतार दिया जाता है और नए पंख जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, उनकी फ्लाइट मसल से डेवलप हो जाती है। तो पोस्ट नपचुअल मॉल्ट मॉल्टिंग की घटना होती है, न्यू फैदर ग्रोथ नए फैदर्स की उत्पत्ति होती है। माइग्रेटरी रेस्टलेसनेस, पक्षी जब प्रवास करते हैं तो रोजाना 500-500 मील का जैसे माइग्रेशन करते हैं नॉन स्टॉप, और इस तरह की जो घटना होती है उसको जुगनरूढ़ी के नाम से जाना जाता है। पुटिंग ऑन वेट, ये पक्षी अपने वजन को भी जैसे कम करते हैं, मांसपेशियों को मजबूत करते हैं और इनकी मसल्स में स्पेशल प्रोटीन है वो डिपॉजिट हो जाता है जो माइग्रेशन के दौरान इसमें काम आता है। माइग्रेशन फैट, ये एक बहुत ही अप्रत्याशित त्वचा है जो 20 गुना ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है। बर्ड्स एड टू 20% बॉडी मास मोस्टली इन फैट, तो पक्षी माइग्रेशन से पहले अपने शरीर के अंदर चर्बी है वो इकट्ठी कर लेते हैं। फैट डिपॉजिट इन एडिपोज टिश्यूज ऑफ स्किन, त्वचा है ये त्वचा के एडिपोज ऊतकों में जमा हो जाती है, मांसपेशियों में जमा हो जाती है, शरीर के विसल ऑर्गन्स हैं उसमें जमा हो जाती है। स्प्रेड एज ए थिन लेयर जस्ट अंडर द स्किन, और त्वचा के नीचे एक पतली वशाज की लेयर है वो डिपॉजिट हो जाती है। ऑल्सो प्रोवाइड इंसुलेशन ड्यूरिंग हाई एल्टीट्यूड माइग्रेशन फ्लाइट्स, और ये जो वसागा डिपोजिशन है ये एक तरह से उचालक स्तर का भी कार्य करता है। तो ये कुछ माइग्रेशन से पहले होने वाली एक तरह की प्रिपेरेशन है। मोड ऑफ फ्लाइट इन माइग्रेशन, इसमें काफी इंटरेस्टिंग फैक्टर जैसे नॉक्टर्नल एंड डायरनल माइग्रेशन। अब इसमें जो बड़े आकार के जो पक्षी होंगे वो दिन में प्रवास करते हैं, छोटे आकार के जो पक्षी हैं वो नाइट में प्रवास करते हैं, जो दिन में छोटी चिड़ियों का शिकार होने की संभावना रहती है। सेग्रीगेशन ड्यूरिंग माइग्रेशन, किंगफिशर इन सेपरेट कंपनी वाइल ब्लू बर्ड इन मिक्स कंपनी। अब किंगफिशर है वो तो माइग्रेशन दौरान जैसे भटक जाते हैं, अलग अलग कंपनियां बन जाती हैं, लेकिन ब्लू बर्ड है ये एक मिक्स कंपनी में जैसे प्रवास करते हैं। ये जैसे किंगफिशर है, ये पेलिकन बर्ड्स है, ये जैसे वाइट टेल स्वेलो बर्ड्स है, तो अलग अलग पक्षियों में अलग अलग बर्ड है वो देखने को मिलते हैं। रेंज ऑफ माइग्रेशन ये काफी इंटरेस्टिंग है, जिसमें आर्कटिक रन है ये 11,000 मील तक का माइग्रेशन करता है, व्हाइट स्ट्रॉक 8,000 मील तक माइग्रेशन करता है। एल्टीट्यूड ऑफ फ्लाइट हाइट, कम दूरी के माइग्रेशन करने वाले जो पक्षी है ये 3,000 फीट की हाइट पे उड़ते हैं, लंबी दूरी माइग्रेट करने वाले जो पक्षी है ये 14,000 से 20,000 फीट की ऊंचाई पर माइग्रेट करता है। स्पीड और ड्यूरेशन, सामान्य स्पीड है इसकी 30 माइल प्रति घंटा होती है, स्विफ्ट में जैसे 171 से 200 माइल प्रति घंटे की स्पीड होती है, और नॉन स्टॉप माइग्रेशन है वो 500 मील प्रतिदिन तक हो सकता है, 5 से 6 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से इनमें डेली फ्लाइट होती है। गोल्डन फ्लावर नाम की चिड़िया है ये नॉन स्टॉप अलास्का से साउथ अमेरिका तक 2400 मील तक का माइग्रेशन बिना रुके 2400 मील यानी लगभग 7,000 किलोमीटर। रेगुलरिटी ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन इज ऑलमोस्ट पंक्चुअल एंड समटाइम्स दे रीच एट द सेम प्लेस, तो माइग्रेशन है इसमें पंक्चुअलिटी है। कई बार मौसम का अचानक सडन जैसे चेंज होती है, मान लीजिए स्नोफॉल जैसे नवंबर होना चाहिए और मान लीजिए अक्टूबर में हो गया, तो उस केस में पक्षियों का माइग्रेशन पहले भी जैसे देखा जा सकता है। अभी जैसे गलियों में ये जो है अपने सोनचिड़िया जो है, सोनचिड़िया इसमें काफ़ी आई है, 5-6 वेराइटी। रूट्स ऑफ माइग्रेशन, दे फॉलो द सेम रूट फॉर माइग्रेशन, माइग्रेशन के अंदर जाना और आना दोनों ही रूट इनके लगभग कॉन्स्टेंट होते हैं, थोड़ा बहुत भटकाव हो सकता है। ये जैसे सेटेलाइट इमेज जैसे दिखाई है गोल्डन ईगल माइग्रेशन की, तो ये पेंसिल्वेनिया से जैसे माइग्रेशन दिखाया है, और ये इनके रूट है इनकी अलग अलग कंस्टेशन, जैसे ब्लैक डॉट है ये वेरी हाई काउंट है इनकी, केसरिया रंग है ये हाई काउंट है, पीले कलर में जो स्पॉट है ये मॉडरेट काउंट है, और इसी सेम रूट से ये पक्षी वापस फिर पेंसिल्वेनिया जाते हैं। तो ये देखा गया कि जिस रूट से पक्षी आए थे उसी रूट से ही जाते हैं, 10% फ्लक्चुएशन इनके अंदर देखा जा सकता है। प्रॉब्लम्स ऑफ माइग्रेशन,
माइग्रेशन दौरान किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो इसमें मेन जो प्रॉब्लम है दैट इज नेविगेशन, यानी अपने रास्ते की पहचान करना। तो इसके लिए बाई विजुअल लैंडमार्क्स, तो रास्ते में कोई कोई पहाड़ है, कोई हवेलियाँ हैं, कोई झरने हैं, कोई वाटर बॉडीज हैं, कोई हिल टॉप है, उनको ये पक्षी क्या ध्यान में रखते हैं। बाई एक्सपीरियंस, एक दो बार माइग्रेशन करने के बाद में इनको अनुभव हो जाता है, इनको पूरा रास्ता याद हो जाता है। बाई टेलुरिक करंट्स, पृथ्वी के चारों ओर जो हवाएं जो चलती है उन हवाओं के टेलुरिक करंट्स को भी ये पक्षी ध्यान में रखते हैं। बाई हॉमिंग इंस्टिंक्ट, और हर पक्षी के ब्रेन में जीन में हॉमिंग इंस्टिंक्ट, यानी अपने घर की जो याद है, मेमोरी है, वो इनके जीन के अंदर छिपी रहती है। बाई अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, वो भी इस माइग्रेशन के अंदर काफ़ी हेल्पफुल होता है। बाई सेलेस्टियल बॉडीज, इसमें ये सूरज को दिन में कंपास के रूप में काम में लेते हैं, और रात्रि के समय जो तारे हैं, ध्रुव तारा है जैसे, उसको ये कंपास के रूप में काम में लेते हैं। ये जैसे माइग्रेशन का रूप दिखाया है, ये एरियल फोटो है पृथ्वी का। ऑरिजिन ऑफ माइग्रेशन, ये अभी भी एक मिस्टीरियस क्वेश्चन है। सम सजेस्ट दैट ग्लेशियर थ्योरी इज एप्लीकेबल, कुछ कहते हैं कि शीत युग का शुरुआत हुआ, उसके कारण माइग्रेशन का उद्भव हुआ। सम सजेस्ट दैट इट इज एन इवोल्यूशन ऑफ माइग्रेशन, कुछ वैज्ञानिक बताते हैं कि ये माइग्रेशन एक प्रकार का इवोल्यूशन है। सम एग्री विद लामार्किज्म थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ मेटॉइड कैरेक्टर्स, कुछ जो है सही वैज्ञानिक है वो अभी भी लामार्क के उपार्जित लक्षणों के सिद्धांत को फॉलो करते हैं। इमीडिएट कॉज ऑफ माइग्रेशन, अचानक क्या कारण हो सकता है, इसके लिए इंटरनल क्लॉक या एक्सटर्नल क्लॉक, हर पक्षी में अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, ये क्लॉक जब भी एक्टिव होगी माइग्रेशन के लिए एक तरह से विधिकम मिलेगा। स्कैरसिटी ऑफ फूड, भोजन की कमी एक कारण हो सकता है। शॉर्टनिंग ऑफ डे लेंथ, दिन छोटे होने से, रातें लंबी होती है, दिन छोटे होते हैं, उसमें विंटर माइग्रेशन स्टार्ट होता है। सडन राइज इन बैरोमेट्रिक प्रेशर, अचानक बैरोमीटर के दाब में परिवर्तन होने का। स्टार्ट ऑफ सेक्सुअल साइकिल, लैंगिक चक्र प्रारंभ होने से भी ये परिघटना प्रारंभ हो जाती है। राइज इन सेक्स हार्मोन लेवल, ब्लड में सेक्स हार्मोन का लेवल बढ़ने से भी माइग्रेशन है वो स्टार्ट होता है। डिपोजिशन ऑफ फैट इन द बॉडी, शरीर में वसा के निक्षेपण भी एक तरह का स्टिमुलेटिंग एजेंट का कार्य करता है। बट विच फैक्टर इज एक्चुअल, नथिंग कैन बी सेट विथ कॉन्फिडेंस, इनके पीछे एक्चुअल कारण का हो सकता है, इसके बारे में हम कोई क्लियर कट आइडिया नहीं दे सकते। वाट आर द बेनिफिट्स ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन के फायदे क्या है, इनके मुख्य फायदों में अवॉइड हार्श एंड डेजर्ट स्वीटर क्लाइमेट, तो जो हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस है उसे बचा जाता है। अवॉइड लैक ऑफ फूड ड्यूरिंग विंटर, स्पेशली इंसेक्टिवोरस बर्ड्स सच एज वुड वार्बलर्स, स्पेशली फ्रूट इनिक बर्ड्स सच एज वैक्सविंग्स। अवॉइड लैक ऑफ कवर ड्यूरिंग विंटर, माइग्रेट फ्रॉम एरिया ऑफ स्पार्स और नो फूड टू एरिया ऑफ रिलेटिवली अबंडेंट फूड। सम माइग्रेशन एनहांसेस सर्वाइवरशिप ऑफ मेनी पॉपुलेशंस, तो माइग्रेशन के फायदे भी हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों से बचा जा सकता है, भोजन की कमी से बचा जा सकता है, प्रीडेटर से सुरक्षा हो जाती है, तो कई तरह के इसके बेनिफिट्स हैं। ये कुछ पिक्चर है, ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये जैसे वेक्टर है, ये सोनचरिया माइग्रेटरी है, इसमें ये आ गई है, इसमें चूरू में सेप्टेम्बर 15 सितंबर के आसपास ये पक्षी आ जाते हैं। ये जैसे मालार्ड बर्ड्स हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, ये स्पॉट बिल्डक है, ये साइबेरियन कूट है प्यूरीपेट्रा, ये जैसे हैन है, मूर है, ये पिनटेल है, कॉर्मोरेंट है, ये भी डक है, माइग्रेटरी डक है, जो साइबेरिया लद्दाख साइड से प्रवास करके आती है। ये डेमोजेल क्रेन ऊर्जा जिसको होता है, ये ताल छापर का पिक्चर है, और प्रतिवर्ष 8 से 10 हज़ार बर्ड्स ये ताल छापर, चाड़वास, जसवंतगढ़, टीकवाना आस पास के एरिया माइग्रेट करके आते हैं। ये भी डेमोजेल क्रेन पे ताल छापर अभयारण्य के फोटो है। ये बार हेडेड गीस, ये मानसरोवर झील से आते हैं, ये भी ताल छापर का ही फोटो है। ये लिटिल कॉर्मोरेंट, ये भी प्रवासी पक्षी है, ताल छापर में काफी देखे जाते हैं।
ये सेंट पाइपर है, ये भी प्रवासी पक्षी है। फ्लेमिंगो, ये विंटर में माइग्रेट करके जैसे यहाँ पर आते हैं, लेसर फ्लेमिंगो ग्रेटर फ्लेमिंगो दोनों पक्षी यहाँ पर देखे जाते हैं। ये रोजी पेस्टर जैसे हिमालयन साइड से, ये पक्षी जो है मार्च के महीने में यहाँ माइग्रेट करते हैं। और विशेषकर जो साल्वेडोरा बरगद और पीपल के जो फ्रूट्स बॉडी लगती है उनको ये खाती है। ग्रीन पीजन है जैसे, ये गुजरात और महाराष्ट्र से ये पक्षी माइग्रेट करता है मार्च के महीने में। ये किंगफिशर जैसे तालछापर एरिया में देखा जाता है। ये यूरोपियन बीटर है, सर्दियों के दिनों में माइग्रेशन इसका देखा जाता है। लॉसी आइबिस ये हरियाणा से माइग्रेट करके जाती है, शुरू में नहीं पाई जाती। ये वही व्हाइट वाइट टेल सोमचरिया, ये भी कश्मीर और लद्दाख से माइग्रेट करके आती है। ये डब चिक जिसको चकवा चप्पी के नाम से जाना जाता है, ये भी चूरू में तालछापर अभयारण्य में काफी संख्या में देखने को मिलती है। थ्रीट्स एंड कंजर्वेशंस, पक्षी माइग्रेशंस के दौरान काफी तरह की गंभीर समस्याएं भी है और इनके कंजर्वेशंस के लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार के कानून एक्ट है पारित किए गए हैं, जिसमें माइग्रेटरी बर्ड्स ट्रीटी एक्ट ऑफ 1980, अफ्रीकन यूरेशियन माइग्रेटरी वाटर बर्ड एग्रीमेंट। सम स्पेक्टेकुलर माइग्रेंट हैव ऑलरेडी गॉन एक्सटिंक्ट, है ऑलरेडी विलुप्त हो चुके हैं। हंटिंग अलोंग द माइग्रेटरी रूट कैन ऑल्सो टेक ए हैवी टोल। अभी जैसे भरतपुर में ये साइबेरियन सारस आते थे, लेकिन पिछले 15 वर्ष से एक भी साइबेरियन क्रेन नहीं आ रही है और संभवतः ये विलुप्त के कगार पर है। शुरू में 200-300 बर्ड्स आते थे, लास्ट में 500 बर्ड्स तक ये आंकड़ा सीमित रहेगा। इनका माइग्रेशन का रूट था वो अफगानिस्तान होके था और अफगानिस्तान में इनका शिकार कर दिया गया था। द पॉपुलेशन ऑफ साइबेरियन क्रेन्स दैट विंटर इन इंडिया डिक्लाइन ड्यू टू हंटिंग अलॉन्ग द रूट, पर्टिकुलरली इन अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। बर्ड्स वर लास्ट सीन इन देयर फेवरेट विंटर ग्राउंड इन केरला देव इन 2000, 2002 में ये अंतिम बार ये देखे गए। स्ट्रक्चर सच एज पावर लाइन्स, विंड फार्म एंड ऑफ शोर ऑयल रिग्स हैव ऑल्सो बीन नोन टू अफेक्ट माइग्रेटरी बर्ड्स। और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन बाय लैंड यूज चेंज इज द बिगेस्ट थ्रेट। तो ये कुछ रीजन है, हालांकि कानून पारित है लेकिन फिर भी पक्षियों को बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है और धीरे धीरे कई जातियां हैं अब विलुप्त होने जा रही है। और ये बहुत ही संक्षेप में नक्सल में एवियन माइग्रेशन के लिए वाइल्ड लाइफ वीक का आज अंतिम दिन था और क्योंकि रोजाना एग्जामिनेशन चल रही है इसलिए मैं छाती के रोजाना एक वाइल्ड लाइफ एक व्याख्यान में डिलीवर करूंगा, लेकिन ये तारतम्य बैठ नहीं पाया और इसके लिए मैं आप सभी से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन फिर भी आगे जब भी टाइम मिलेगा तो मैं बीच बीच में वाइल्ड लाइफ के सीरीज है वो आपसे शेयर करता रहूँगा। इस समय आपसे कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप जिसे पोस्ट व्हाट्सएप नंबर पर। I'm highly grateful to you, highly thankful to you. Have a good day, have a great day. Thank you very much.